हेलो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, पिगी हियर। आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग वाला आर्टिक टेक्सचर पैक ला चुका हूं, जो सच में आपको आर्टिक वाली फीलिंग देगा। और भाई ये भी टेक्सचर पैक बहुत अच्छा वाला है, ओपी है। और इसमें अगर आप, ये काउ है शायद, हाँ भाई इसके मुंह देखो भाई, इसका एकदम बड़ा फेस क्यों है। मैं इसके मुंह में अगर एक मारूं, टिंग, यार ये डर के भाग गई। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए था, बट मुझे मजा आया। हाँ तो यहाँ पे आप ग्रास का टेक्सचर देख सकते हो। और भाई एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं ना, मैंने अभी इंट्रो लगाना सीखा है। और अगर आपको ये इंट्रो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर। यार इंट्रो देख लिया यार, कमेंट में बताना कि इंट्रो आपको कैसा लगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम आ जाता है अपने रील्स के बारे में। भाई इसमें आपको हर एक चीज मॉडर्न मिल जाती है। यहाँ पे आप हर एक चीज को अगर आप देखोगे तो ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे मॉडर्न मिल जाएंगी। ये अपने स्टिकी पिस्टन, ये नॉर्मल पिस्टन, ये अपने माइनक्राफ्ट रेल का शेडर, भाई मुझे बहुत पसंद आया था। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे आ जाऊँ, डीप स्लेट ओर सारे हैं यहाँ पे, डीप स्लेट कॉपर ओर, नॉर्मल कॉपर ओर, डीप स्लेट आयर, ओ भाई डीप स्लेट नॉर्मल गोल्ड ओर एकदम ओपी है। और डीप स्लेट गोल्ड ओर, नॉर्मल डायमंड ओर, डीप स्लेट डायमंड ओर, नॉर्मल लैपिस, नॉर्मल लैपिस, डीप स्लेट लैपिस, नॉर्मल रेड स्टोन, डीप स्लेट रेड स्टोन, ये सब कुछ यहाँ पे एकदम ओपी वाली सीन है। और यहाँ पे लैपिस लेजुली का डीप स्लेट और भी एकदम अच्छा ही है। पर इसमें असल में ये क्राफ्टिंग बिल्डिंग के 1.17 का अपडेट में काम नहीं करता, इसलिए ये सब सीरीज आपको सेम नहीं दिख रहे। ये 1.15 आपके अपडेट तक ये काम करता है, इसलिए जो जो चीज 1.15 के अपडेट में थी वो उन्हीं के सीरीज बस चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे अपना नॉर्मल एमरल्ड का ओर, ये नॉर्मल कोल ओर, डीप स्लेट कोल ओर, ये नॉर्मल आयरन ओर, डीप स्लेट आयरन ओर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए अपने वुड के जो फेंसेस है उनके टेक्सचर भी एकदम चेंज चुके हैं। और यहाँ पे अपना नेदर का कॉर्ड्स का ओर, इसमें भाई डिटेलिंग कुछ ज्यादा ही आ चुका है। हाँ यार डिटेल कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद आया था अपना आयरन गोल्ड ओर, क्या कहते हैं इसे, नेदर का गोल्ड ओर। और ये है अपना एंशिएंट डेब्रिस का ओर। इसके बाद अपना लैपिस लेजुली, सॉरी एमरल्ड का ओर, ये कोल का ओर है, आप अच्छे से देख लो भाई, कोल का ओर, ये लैपिस का ओर। इसके बाद ब्लॉक ऑफ एंशिएंट डेब्रिस, यहाँ पे अगर मैं आपको टॉर्चेस दिखाऊं तो हमारे सामने टॉर्चेस हैं। ये है अपना रेडस्टोन टॉर्च, ये अपना नॉर्मल टॉर्च, और ये अपना सोल टॉर्च। हर एक टॉर्च के शेडर्स एकदम चेंज चुके हैं। ये अपना नेदर रैक है, ये सोल सॉइल है, और ये अपना एक और नेदर रैक है शायद। और ओ भाई अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना आग ऐसा जलता है। और यहाँ पे अपना आयरन का ओर ऐसा दिखता है, गोल्ड का ओर ऐसा, डायमंड का ओर, भाई मुझे सबसे अच्छा डायमंड और गोल्ड के ओर से लगे, क्योंकि भाई इनकी डिटेलिंग कुछ ज्यादा ही मुझे लगती है। इसके बाद अपने लैपिस लेजुली का ओर भी एकदम आ जाता है। इसके बाद अपना आ जाता है क्रिम्सन फॉरेस्ट के जो जंगल्स में जो वो होते हैं ना, ये वही है पेड़ पौधे, ये सब है। इनका मुझे नाम नहीं पता, इसके लिए वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ पे अगर हम कोई भी पेड़ पौधे की तरफ देखें, भाई ये हर एक पेड़ के आप सीरियस टेक्सचर्स देख लो भाई, असल में ये मॉडर्न है ना, इसलिए आपको इसमें हर एक चीज मॉडर्न मिलती है। अब आप देख सकते हो हर एक चीज में डिटेलिंग तो कुछ ज्यादा ही है, पर हर एक चीज यहाँ पर मॉडर्न है, इसलिए आपको अगर मॉडर्न ग्राफिक्स पसंद है तो भाई ये आपके लिए बेस्ट होगा। इस बात ये है अपना गोल्ड का ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ये है अपना ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं यार, ब्लॉक ऑफ आयरन, ये ब्लॉक ऑफ लैपिस लेजुली है, ये ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, और ये है अपना ब्लॉक ऑफ कॉपर, ये ब्लॉक ग्लास ब्लॉक है, और ये है अपना रेडस्टोन का ब्लॉक। फिर रेडस्टोन का ब्लॉक मुझे सबसे ज्यादा पसंद रेडस्टोन और डायमंड का ब्लॉक आया था, क्योंकि भाई डायमंड का ब्लॉक भी एकदम ओपी लग रहा है, रेडस्टोन का ब्लॉक से एकदम दूर से ही लोगों को दिख जाएगा भाई वो कौन सी चीज़ है, दिखा भाई पहले मुझे दिखा। और भाई ये है अपना मैग्मा ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ मैग्मा इसे ये भी कह सकते हैं। और ये अपना जूप बॉक्स है, और ये कौन सा चीज़ है, ये भी शायद जूप बॉक्स ही है। अपना बेड कुछ ऐसा दिखता है भाई, आप देख लो मॉडर्न बेड है, ये ऐसा ही दिखेगा। इस ब्लॉक का नाम मुझे नहीं पता, ये अपना बीकन है, फिर बीकन ऊपर से नीचे तक कुछ दिख नहीं रहा। इसके बाद यह है अपना ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं इसे, डर्ट कैप, ब्लॉक ऑफ डर्ट कैप। इसके बाद अपना ब्लॉक ऑफ कोल आ जाता है, इसके बाद ब्लॉक ऑफ रॉक कॉपर, ब्लॉक ऑफ नॉर्मल कॉपर, और यह है ब्लॉक ऑफ गोल्ड। इसके बाद अपना आ जाता है ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं इसे, स्लाइम ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ स्लाइम, और इसके बाद आ जाता है अपना ब्लॉक ऑफ हनी। और ब्लॉक ऑफ हनी के बाद अगर हम यहाँ पे, अरे यार मैं इसको स्किप कर देता हूँ यार, ये सब उल्टे सीधे एड्स बीच में आ जाते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ तो इसे यार कुछ साउंड तो आ रहा है ना, पता चला कि कोई साउंड ही नहीं आया तो पता नहीं। हाँ तो मैं आपको एक ये सब चीज़ें एक और बार दिखा देता हूँ, आपको साउंड नहीं आया, कि रेडस्टोन का ब्लॉक है, या ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं ब्लॉक ऑफ यार, ये कौन सा ब्लॉक है, हाँ ये ब्लॉक ऑफ कॉपर, और यह है नहीं यार ये ब्लॉक ऑफ कॉपर तो नहीं है, हाँ सॉरी सॉरी, ये ब्लॉक ऑफ एमरल्ड है, यह ब्लॉक ऑफ एमरल्ड, यह बीकन, यह है रेडस्टोन का ब्लॉक, यह है डायमंड का ब्लॉक, और यह है अपना लैपिस लेजुली का ब्लॉक, और यह है अपना आयरन का ब्लॉक, और यह है अपना गोल्ड का ब्लॉक। सॉरी मुझे डायमंड का ब्लॉक और रेडस्टोन का ब्लॉक सबसे अच्छा लगा था। यह ब्लॉक ऑफ मैग्मा, मतलब मैग्मा ब्लॉक, यह अपना मॉडर्न सा बेड है, ये जूप बॉक्स है, और ये कौन सा और है, ये एंडर चेस्ट है भाई, अगर आपको नहीं पता एंडर चेस्ट, ये अरे यार निकलना, ये मरता भी नहीं, इसका हेल्थ कितना है, हाँ ये अब मर चुका है, ये एंडर ब्लॉक ऑफ एंड सॉरी ये एंडर क्या कहते हैं इसे, अरे यार मैं भूल गया, सच में ही भूल गया, इसे शायद हम कह देंगे एंडर चेस्ट, हाँ एंडर चेस्ट है ये। इसके बाद ये अपना नॉर्मल चेस्ट आ जाता है। इसके बाद ये अपना जूप बॉक्स, मॉडर्न कैरियोके जैसा जूप बॉक्स है, और ये अपना गोल्ड का बीकन है भाई, यहाँ पे ये ग्लास ब्लॉक जैसा आपको लगता है पर ये ग्लास ब्लॉक है नहीं, ये बीकन है, और ये अपना ब्लॉक ऑफ हनी, ब्लॉक ऑफ स्लाइम है। इसके बाद अपना लावा कुछ ऐसा दिखता है, लावा के अंदर अगर हम यहाँ पे आ जाए तो भाई यहाँ पे अगर हम अंदर की तरफ आए तो भाई डर्ट कुछ ऐसा दिखता है, पानी के नीचे कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम बाहर में आ जाता है, बाहर में अगर हम यहाँ पे आ जाए फिर सारे ट्रैप डोर्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे अपना आयरन का ट्रैप डोर भी कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद अपना जो ये चीज़ है क्राइंग ऑब्सीडियन कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल ऑब्सीडियन कुछ ऐसा दिखता है, और अपना बेड रॉक कुछ ऐसा दिखता है। ओके तो इतना आपने देख लिया, और इसके बाद हम आ जाते हैं
अपने एन्चेंटिंग टेबल की तरफ। एन्चेंटिंग टेबल का शेडर एकदम ओपी है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काला काला इसलिए क्योंकि ये डिफॉल्ट टेक्सचर पैक में ये कुछ ग्लिचेस हैं, आपके फोन में शायद ये नहीं आएंगे, मेरे फोन में आ रहा है क्यों पता नहीं, पर आपके फोन में नहीं आएंगे। ओके तो इसमें आप चाहो तो कोई भी चीज़ को एन्चेंट कर सकते हो। इसको मैंने एन्चेंट कर दिया और ये आप एन्चेंटेड चीज़ हो चुकी है। ये पता नहीं मैंने कौन सा एन्चेंटमेंट इसमें कर दिया, पर है कुछ कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें कर ही दिया था। पर ये स्टोन ब्रिक्स है, ये मॉसी कवर स्टोन है, ये नॉर्मल स्टोन मॉसी स्टोन ब्रिक्स और ये क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स। ओके आपने इसे देख लिया, ये मॉसी कवर स्टोन, ये नॉर्मल स्टोन ब्रिक्स, ये मॉसी स्टोन ब्रिक्स और ये क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉबलस्टोन कुछ ऐसा दिखता है। और कॉबलस्टोन के बाद अगर हम आइटम फ्रेम की तरफ आ जाए भाई, आइटम फ्रेम अपना कुछ ऐसा दिखता है, ग्लो आइटम फ्रेम। और भाई यहाँ पे भी आपके स्वॉर्ड में आरटीएक्स मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्वॉर्ड बाहर ले आकर स्वॉर्ड को दिखाऊं भाई, अपने पास हेलमेट्स की जगह यहाँ पे चश्मे हैं भाई, आप चश्मे पहन सकते हो, कूल ना भाई, ये सच में कूल लगेगा अगर आपने चश्मे पहने। मैं ये चेन मिल हेलमेट को आप इस इन लोगों ने यहाँ पे चश्मा बना दिया है, अच्छा ही लग रहा है वैसे। और भाई ये अपना स्कूल यूनिफॉर्म है शायद, पता नहीं स्कूल यूनिफॉर्म जैसे ही लग रहा है। ये अपना पैंट है जिसमें बेल्ट भी आता है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ये अपना बूट्स है, बूट्स भी एकदम अच्छे ही लग रहे हैं। और यहाँ पे ये सब कौन से पोशंस हैं, यहाँ पे पोशंस हैं बहुत सारे और ये सब हमारे किसी काम में ये पोशंस आने नहीं वाले, हम बस आपको ये दिखाना चाहते थे भाई ये कौन सी चीज़ है। एक्स भाई, एक्स कुछ ऐसा दिखता है, ये एक्स ये सब एक्स उल्टे सीधे एक्स है, ये सब ऐसे दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं भाई, स्वॉट का आरटीएक्स इसमें आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप बुक शेल्फ देखो भाई, बुक शेल्फ का शेड भी एकदम ओपी है। और यहाँ पे ग्लास भी एकदम ट्रांसपेरेंट है, आपको इस पास से उस पास नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए भाई, डोर्स यहाँ पे मॉडर्न डोर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको आर्मर स्टैंड दिखाऊं जो इसकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है, भाई आर्मर स्टैंड एकदम ही ओपी हो चुका है। पहले मैं इसको टाइम से डे कर देता हूँ क्योंकि भाई टाइम से डे नहीं किया तो उल्टा दिखेगा। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये कौन सी चीज़ है, फिर इसके हाथ में ये समथिंग होगा। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना अपने अगर आर्मर स्टैंड के हाथ में अगर हम ये रखें अपना स्वॉर्ड रखें तो ऐसा दिखता है, अपना आयरन का सॉरी स्टोन का एक्स कुछ ऐसा दिखता है इसका। इसके बाद अपना सॉरी ये अपना पूरा आयरन का आर्मर है। ओके ये अपना पूरा चेन मिल आर्मर है और ये आयरन का आर्मर है। चेन मिल आर्मर में स्टोन का जो सॉरी आयरन का जो एक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे अगर मैं आपको एक्स दिखाऊं, एक्स का शेडर भी ओपी हो चुका है। यहाँ पे एक्स को देख लो, इसका शेडर एकदम ओपी है। और यहाँ पे अपना गोल्ड के जो आर्मर्स है इसमें आर्मर्स भी एकदम आरटीएक्स वाले हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको नेदर एक्स दिखा दिया था शायद, और ये अपना सोल्स वाले भाई, इसका आग भी एकदम ओपी है। और यहाँ पे अगर हमारे हर एक चीज़ की तरफ आ जाए, ब्रोइंग है ये काटो ये लैक्टन है और ये है अपना क्या कहते हैं इसे अरे ये कोल्डन, हाँ ये ब्लास्ट फर्नेस है और ये ब्लास्ट फर्नेस है और ये कौन सा मुझे पता नहीं, ये बीहाइव है, ये स्मिथिंग टेबल, ये कार्टोग्राफी टेबल, ये फ्लेचिंग टेबल, ये है अपना एक मिनट इसका नाम है हो चुका है, ये स्टोन कटर है, ये अपना एनविल एकदम मॉडर्न जैसा हो चुका है। एनविल के बाद अपना आया था फार्मिंग टेबल, फार्मर का टेबल और ये अपना ब्लास्ट फर्नेस। इसके बाद अगर हम सामने की तरफ आ जाए तो भाई यहाँ पे अगर हमारे सामने है हमारे डिस्पेंसर हॉपर्स, ये अपना हॉपर है और ये डिस्पेंसर है। और इसके बाद अगर मैं पिस्टन को दिखाऊं भाई, पिस्टन कुछ ऐसा दिखता है और एंड पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है, आई ऑफ एंडर कुछ ओपी वाला नहीं दिखता। अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ आ जाए भाई, अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारा मैं आपको एन सी टी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एन सी टी को देख सकते हो भाई, एन सी टी एकदम ओपी है। यहाँ पे एन सी टी का जो टेक्सचर है वो जो शेडेड है ये कुछ ऐसा दिखता है और एंडर ड्रैगन कुछ वहाँ पे है शायद, पता नहीं भाई। एन सी टी एकदम डार्क हो चुकी है, आपका एन सी टी एकदम डार्क हो जाएगा। एंडर ड्रैगन आ रहा है भाई, हमें इसे निकल जाना चाहिए, मुझे एंडर ड्रैगन एकदम पसंद नहीं है, मैंने उसे एक बार भी नहीं हराया है। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, अपने बेड में रिस्पॉन हो चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको हर चीज़ दिखा दिया था भाई, अपना कैक्टस का शेडेड एकदम ओपी है। अगर मैं आपको कैक्टस दिखाऊं भाई, कैक्टस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और कैक्टस के बाद हम आ जाएंगे अपने क्रॉप्स की तरफ, क्योंकि मैंने आपको क्रॉप्स नहीं दिखाया शायद। तो भाई अपना जो क्रॉप्स है ना, अपने जो क्रॉप्स है तो क्रॉप्स को देखो एकदम ओपी वाला लुक दे रहा है, एकदम रियलिस्टिक वाला लुक दे रहा है। तो इसके बाद हम जाएंगे अपने नेदर के अंदर, पर नेदर के अंदर जाने के बाद इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो चलो नेदर में, तो नेदर में आप देखो तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है और ये एकदम हिल है, आपको पता ही होगा ये हिल है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, ये सोल सॉइल है और ये नेदर एक्स, इसकी शेडस कुछ ज़्यादा ही ओपी है, मतलब हाँ भाई कुछ बहुत ज़्यादा ओपी है इसकी शेडस। अब यहाँ पे ये नीला रंग का ये क्यों हो जाता है मुझे पता नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पे ओपी है भाई। मेरे फोन में कोई ग्लिचेस है जिसकी वजह से ये होता है। और यहाँ पे हमारे सामने कोई फॉरेस्ट नहीं है तो ये अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भाई ये कौन सी चीज़ है भाई, ये लावा में चल रहा है ये तो समझ में आता है। अरे यार बीच में ये आ गया भाई, ये लावा में चलता है ये समझ में आता है, ये बैठा कैसे है, निकल निकल निकल, काम नहीं है। राइट अब मैं बैठूंगा, चल अब जहाँ पे बोलूँगा वहाँ पे चलना होगा, चलो 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 चलो। अरे भाई चलना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाना नहीं अपने को। तो यहाँ से हम जाएंगे भाई, यहाँ पे हमारे मॉब्स के टेक्सचर्स भी एकदम चेंज हो चुके हैं। आपको जब ये डाउनलोड हो जाए तब आप मॉब के टेक्सचर्स खुद से देख लेना, मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा। तो भाई इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं आया कहाँ से था, मेरा घर है कहाँ, मतलब मेरा पोर्टल कहाँ है वो मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे एक और पोर्टल शायद बनाना पड़े। और भाई इसके हर एक चीज़ में आरटीएक्स है और हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ओपी वाला फील देता है। ओके तो अगर आपको ये शेडर चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलो हम इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो भाई इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, मैंने आपको एक लिंक दिया होगा प्ले स्टोर का, जिसमें मैंने आपको एक ऐप का लिंक दिया होगा, उस ऐप का नाम है शेडर टेक्सचर माइनक्राफ्ट, उसको मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। चलो तो गाइस अब हम प्ले स्टोर में आ चुके हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें सर्च करना होगा शेडर माइनक्राफ्ट टेक्सचर पैक, SHADERS MINECRAFT शेडर माइनक्राफ्ट टेक्सचर पैक, ये आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन, ये जो एप्लीकेशन है आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा और ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है, यहाँ पे आने के बाद आपको 16x16 32x32 यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने आएंगे, पर इनमें से एक भी करना मत क्योंकि मैंने हर एक को करा था पर एक भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। ओके तो यहाँ पे आपको जब आप एकदम नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी
कीज है, पर एक भी यहाँ पे काम की नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद आपको 64x64 में आना होगा, और आप जब थर्ड वाले शेडर पे आओगे मॉडर्न HD शेडर, आपको इसमें ऐड मिलेगा, इसको आपको स्किप कर देना है। तो ऐड को हम स्किप कर देते हैं भाई। हाँ, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। ओके, तो अपलोड मैंने इसे टुडे किया था। ये कंफर्टेबल है 1.17, 1.16, 1.14 के लिए। ओके, तो इसके बाद हमारा ये है 1.19.42 MB का, मतलब अराउंड 20 MB का ये शेडर है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर में आ जाना होगा, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। और इसके बाद आपको प्ले स्टोर में आना है। चलो हम प्ले स्टोर में चलते हैं। हम प्ले स्टोर में आजकल यहाँ पे आने के बाद हमें सर्च करना होगा एडॉन्स फॉर माइनक्राफ्ट, ADDONSFOR एडॉन्स फॉर माइनक्राफ्ट। एक मिनट, मैं क्रॉस करके सर्च करता हूँ एडॉन्स फॉर माइनक्राफ्ट। ये सर्च कर देना आपको, और इसके बाद आपके सामने ऐसा एक एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद इसे ओपन कर लेना। इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे शेडर्स टेक्सचर्स हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें सर्च में आ जाना है, बस सर्च में चलो। सर्च में आने के बाद आपको यहाँ पे शेडर्स सर्च करना होगा, HADERS। और ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने बहुत सारे शेडर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे शेडर्स आ चुके हैं, पर यहाँ पे एक भी आपको इंस्टॉल नहीं करना। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक शेडर है जिस शेडर का नाम LTI शेडर। मैं उस शेडर का लिंक आपको दे नहीं सकता, तो इसलिए आपको इसे यहीं से सर्च करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम बात करते करते शायद उस शेडर के पास आ भी चुके हैं, मुझे नहीं पता। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेडर है, ये शेडर LTI शेडर, इस शेडर को आपको इंस्टॉल करना होगा। और इसके बाद इसमें एक लाइट आता है एक्स्ट्रा, आपको क्राफ्टिंग लिंक को लाइट कर देगा। इसके बाद आपको इसे कर देना है, आपको इसे हाई मीडियम लो कोई भी आप इसमें कर सकते हो। मैंने एकदम हाई वाला किया था। तो इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग नेचुरली ओपन हो जाएगा, जैसा मेरा हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपना क्राफ्टिंग बिल्डिंग नेचुरली ओपन हो चुका है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ यार, स्किप करो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ मैंने। और यहाँ पे आने के बाद आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग नेचुरली ओपन हो जाएगा, आपको एक मैसेज भी आएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको टेक्स्चर पैक में आ जाना है। और टेक्स्चर पैक में आने के बाद आपके सामने ये दो शेडर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो शेडर है वो है मॉडर्न HD शेडर। इस शेडर को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, प्लस साइन देखा। इसके बाद आपको LTI शेडर को इंस्टॉल करना होगा। LTI शेडर कुछ ऐसा देखते हैं, LTI शेडर को प्लस कर दीजिए। LTI शेडर को प्लस करने के बाद आपको बैक में आना है, कोई भी वर्ल्ड क्रिएट कर देना है। आपका इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी वर्ल्ड में चले आइए, आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग का गेम प्ले एकदम ओपी वाला हो चुका होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो मैं ऐसे RTX वाले शेडर्स लाता रहता हूं। अगर आपको भी RTX चाहिए तो भाई इस वीडियो को एक कमेंट कर दो भाई, आपको कौन सी चीज़ चाहिए। भाई बहुत लोगों ने कहा भाई बहुत बड़े बड़े मैंशंस मुझे क्राफ्टिंग बिल्डिंग डाउनलोड करने हैं, फिर मैं वो भी लाऊंगा। ओके, आप देख सकते हो भाई मैं हर एक चीज़ आपके लिए लाऊंगा, जरूर थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो बस। तो भाई इसके बाद आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग का गेम प्ले कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आपने हर एक स्टेप को फुली फॉलो किया है, तो आपका क्राफ्टिंग बिल्डिंग का गेम प्ले चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया भाई ये कौन सी चीज़ है, भाई अपना क्राफ्टिंग टेबल है। अपना क्राफ्टिंग टेबल कुछ ऐसा दिखता है, क्राफ्टिंग टेबल का शेडर भी एकदम ओपी वाला है, मतलब एकदम अच्छा है भाई, अच्छा है। क्राफ्टिंग टेबल का शेडर भी एकदम अच्छा है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज़ एकदम अच्छी हो। और ये कौन सी चीज़ है, ये एकदम कोट जैसा लग रहा है। ये लेदर का आर्मर है, ये चेन मिल आर्मर है, ये आयरन आर्मर है, ये गोल्ड आर्मर है, ये डायमंड का आर्मर है, और इसके बाद अपना नेदरराइट का आर्मर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस वाले वीडियो को इतना मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में। टाटा, सी यू एंड सायोनारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इस वाले वीडियो के लिए इतना।